बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही रहीम नहायत रहम करने वाला है। मेडिकल सेंटर बाय डॉक्टर नवीद में आप सब लोगों को खुश आमदीद। अगर अभी तक आप लोगों ने मेडिकल सेंटर बाय डॉक्टर नवीद को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और मेडिकल सेंटर बाय डॉक्टर नवीद के दरमियान में जो रिश्ता है वो बना रहे। और जो भी मेडिकल हेल्थ के रिलेटेड जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आपकी रहनुमाई हो सके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो डायबिटिक फूड केयर के मुतल्लिक है, क्योंकि डायबिटीज़ वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा है और जो हर 15 सेकेंड में पूरी दुनिया में एक पर्सन ऐसा जिसकी एम्पुटेशन होती है, मतलब उसका जो भी पार्ट ख़राब हो जाता है डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटिक फुट हो या हाथ हो या बाजू हो, वो काट दिया जाता है। तो मैंने सोचा डायबिटिक फुट केयर या हाथ या किसी भी जगह का जो ज़ख़म है उसकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसके मुतल्लिक आज वीडियो बनाना चाह रहा था। तो ये वीडियो में बताऊंगा कि क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी न्यूरोपैथी की वजह से उनको फील नहीं हो रहा होता कि उनके पाँव में कहीं ज़ख़म हुआ है, तो उनको बाकायदगी से बड़े गौर से बड़े अच्छे से अपने पाँव को रोज़ाना देखना कि कहीं पे अल्सर तो नहीं कोई बन रहा, कहीं पे कोई ज़ख़म तो नहीं बन रहा, कहीं पे कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही, पाँव गर्म तो नहीं है, ठंडा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं देखना कि डायबिटीज़ की वजह से जो कल को आने वाली मुश्किलात हैं, जब पाँव ख़राब होगा या हाथ ख़राब होगा, तो उससे पहले बाकायदगी से चेक करना, और अगर कहीं पे उसको महसूस हो रहा है तो उसको बार वक्त डॉक्टर को दिखाना। इसके अलावा आप रोज़ाना पाँव अच्छे से धोएं और उनको खुश्क करें, और जूता ऐसा पहने जो नरम हो, अच्छा जूता पहने, नरम जो हो, ऐसा नहीं कि हार्ड हो और आपका पाँव उसमें बहुत जो फिट आया हुआ है वो तो साइड से आपको ज़्यादा देर प्रेस करके, जो भी जूता आपके पाँव को प्रेस करके रखेगा उससे अल्सर बनेगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुकेगी और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ज़ख्म बने। और अगर किसी को मसला हो जाता है तो क्योंकि जो खुद जिसको डायबिटीज़ है या जिसका ज़ख्म बना है वो अच्छे से अपनी केयर नहीं कर सकता, तो किसी फैमिली मेम्बर को या किसी डॉक्टर को या नर्स को वो उसकी ड्यूटी लगा दे कि इसकी रोज़ाना इसकी सफाई रखनी है, इसको धोना है अच्छे कपड़े से, ऊपर पट्टी करनी है। ये नहीं कि आपने वही पुराना जो है वो बांध ही रखोगे, और क्योंकि खुद पेशेंट को दर्द होता है और वो अच्छे से उसकी सफाई नहीं रख सकता और ज़ख्म ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होता जाता है। इसलिए मैंने सोचा आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके और लोगों को इस परेशानी का सामना ही ना करना पड़े कि उसकी एम्पुटेशन, पहले आप फुट एम्पुटेशन पे करने लग जाते, फिर जैसे जैसे क्योंकि ये बहुत स्पीड से ऊपर को इन्फेक्शन जाता है तो आपको बाजू काट भी काटना पड़ सकता है, टांग भी काटनी पड़ सकती है। तो और जो आपकी शुगर है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल रखना होता है। तो आज की वीडियो इतनी ही, मेरी नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अभी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।